वेलकम टू न्यू ईयर्स पेरेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट टू का पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग इन साउथ एशिया सो इसमें हम देखेंगे एनालिटिकल ओवरव्यू ऑफ पीस प्रोसेस बिटवीन और अमॉन्ग द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया स्पेशली हम जो कॉन्टेक्स में देखेंगे वो है इंडिया एंड पाकिस्तान सो पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग इन दाउथ एशिया इस्पेशली इन साउथ इस्पेशली इन दानटेक्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान सो मैंने जो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है स्लाइड्स का वो इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक सो so, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं साउथ एशिया इज़ अ इज़ अ हिस्टोरिकल इज़ अ रीजन हिस्टोरिकली मार्क्ड बाई कॉन्फ्लिक्ट एंड पोलिटिकल टेंशनस Uh, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मतलब ये जो रीजन है हिस्टोरिकली मार्क किया गया है इसका जो फोकस है uh, इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर है क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और uh, uh, इनके इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक इनकी ये प्रॉब्लम चल रही है रिवालवरी चल रही है टू तो क्ली की प्लेयर्स हैं ये फोर्स होज रिलेशनशिप सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स रीजनल पीस Uh, इनका जो रिलेशनशिप है वो रीजनल जो पीस है साउथ एशिया का जो रीजन है इस पर थोड़ा सा इस पर ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनका ऑब्जेक्टिव क्या है एनालाइज पास पीस ऑब्जेक्टिव ये है कि साउथ uh, एशिया में कि पीस uh, को एनालाइज़ करके पीस प्रोसेसेस को तो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान पोटेंशियल फ्यूचर पाथ फेस क्या होंगे इनकी फर्स्टली हम हिस्टोरिकल पीस प्रोसेस देख लेते हैं क्या है अर्ली अटैम्प जो आ, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई एक तो तशकिन डिक्लेरेशन है उसको भी मैंने आगे डिफ़ाइन किया है उसको एक्सप्लेन करते 1966 में हुई थी और शिमला एग्रीमेंट भी 1972 में इसके बाद फिर लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में इसके की फ़ीचर्स ये हैं कि बाइलेट्रल नेगोशिएशन की जाए इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान फ़ोकस जो हो वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो कश्मीर है उस पर भी नेगोशिएशंस के थ्रू इसको डिस्प, इस डिस्प्यूट को भी ख़त्म किया जाए फिर आउटकम्स क्या हो सकते हैं मिक्स सक्सेस मिक्स सक्सेस होगी और पीरियड ऑफ काम फॉलोड बाय रीन्यू टेंशन जो भी टेंशन होंगी वो रिलीज़ हो जाएंगी और आ, जो साउथ एशिया का रीजन है वो फ काम हो जाएगा चैलेंजस क्या क्या हैं इनके डीप uh, मिसट्रस्ट है डोमेस्टिक पोलिटिकल प्रेशर है लेक ऑफ पब्लिक पार्टिसपेशन है अब मैंने इनको पहले डिफ़ाइन किया है मैंने कहा कि आपको समझा दूँ कैशकन डिकलेशन जो है वो नाइनटीन सिक्सटी फाइव में इंडो पाकिस्तानी वॉर जो हुई थी उसको कहते हैं और टेंशन एंड मिसट्रस्ट जो इन दोनों के दरमियान था इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान सो डिज़ायर टू नॉर्मलाइज ये सिर्फ इनकी मिस्ट्रेस और इन, इन मिस्ट्रेस और टेंशंस की वजह से हुआ था सो so, फ्यूचर uh, को अच्छा करने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को बचा कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए साउथ एशिया को इन दोनों uh, के रिलेशंस को नॉमलाइज करना लाजिम है की पॉइंट्स देख लेते हैं साइन बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शत्री एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान इन तशकिन उज्बेकिस्तान सो so, ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था किसके दरमियान जवाहरलाल बहादुर और प्रेजेंट अयूब खान सो so, ये एक एग्रीमेंट है कमिट क्या करता है टू पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ़ ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग पाक कश्मीर जो भी इश्यूज हैं इन दोनों के दरमियान कश्मीर को इनकलूड करके ये कमिट करते हैं कि ये पीसफुल रेजोल्यूशन करेंगे विथड्रॉल ऑफ आर्म फोर्सेस टू प्री वॉर पोजिशन और फिर रिनाउंसिएशन ऑफ फोर्स इन रिजॉलविंग डिस्प्यूट अ अंट इंडो पार कमीशन टू एड्रेस फ्यूचर डिफ्रेंसिस मतलब कि पीस कायम करना है इस एग्रीमेंट के तहत हम ये नहीं करेंगे तो ये किसी उसकी की पॉइंट्स हैं आउटकम्स इसके क्या निकल सकते हैं या निकले रिड्यूस टेंशन इमिडिएट सीज फायर एंड अलाइंग इश्यूज रिमेन अन रिजॉल्व लीडिंग टू द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्स इसके जो आ, कुछ इश्यूज हैं कुछ तो रिज़ोल्व हुए और फिर टेंशंस भी लेकिन फ्यूचर ये जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर की तरफ आ, जो कॉन्फ्लिक्स हैं फ्यूचर के उसको लीड करती हैं शिमला एग्रीमेंट क्या था आफ्टर मैच नाइनटीन सेवेंटी वन बांग्लादेश लिब्रेशन वॉर और इंडो पाकिस्तानी वॉर तो ये उनकी वार्ज हुई थी इसके बाद जो, जो एग्रीमेंट्स हुए थे जैसे और फिर से शिमला एग्रीमेंट ठीक है नाइनटीन सेवेंटी वन में जब बांग्लादेश की लिब्रेशन हुई पाकिस्तान से वो अलग हो गया तो uh, ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद नीड फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर पीस एंड नॉर्मलाइजेशन बार बार इन कंट्रीज़ के दरमियान पीस और नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है की uh, पॉइंट्स क्या हैं इसके uh, ये साइन हुई थी uh, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की तरफ से और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ से और ये हुई थी इंडिया में साइन और ये जो हुई थी साइन तशकिन डिक्लेरेशन ये हुई थी उज़्बेकिस्तान में तशकिन में ठीक है तो ये चीज़ें नोट करने की हैं तो ये आपको सिर्फ इसमें नहीं बल्कि पाकिस्तान अफेयर्स और करेंट अफेयर्स में भी कभी कभार काम आ सकती हैं और है अब रीअेम कमटमेंट ये क्या थी ये रीअफेम कमिटमेंट थी ताकि पीस रेजोल्यूशन हो सेम ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू बायोलेट्रल नेगोशिएशन ये नेगोशिएशन के थ्रू बायोलेट्रल डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना था एगरी टू रेस्पेक्ट द लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल की भी रेस्पेक्ट करनी थी इसके बाद <coughs> इन कश्मीर एंड रिफ्रेन

टेंशन्स uh, को रिड्यूस करना के के इनके दरमियान डायलॉग्स के इंगेजमेंट के थ्रू इनके मामल जो हैं वो हल हों रिड्यूस टेंशन एंड लाइट टू द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो भी कैदी थे वॉर के उनको भी रिहा करना उनको छोड़ देना आवा कश्मीर रिमेन अ मेजर स्टिकिंग पॉइंट एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ लास्टिंग सोल्यूशन वॉज लिमिटेड ओवरऑल जो इसका मेन uh, है वो कश्मीर uh, इशू ही है बाकी सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं लाहौर डिक्लेशन 1999 में हुई थी रिन्यूड एफर्ट्स फॉर टू इंप्रूव इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इन द लेट नाइन्टीन नाइन्टीज़ नाइनटीन के बाद <coughs> ये इंडिया और पाकिस्तान की जो आपस में तनाव था इसको कम करने की कोशिश की गई डिज़ायर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट तो नाइनटीन के बाद दोनों न्यूक्लियर पावर हो गए तो इनको आ, मतलब कि कंट्रोल करने के लिए इनके रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ करने के लिए ये लाहौर डिक्लेरेशन की गई की पॉइंट्स इसके ये हैं कि आ, इंडियन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन लाहौर पाकिस्तान ये डील जो हुई थी लाहौर पाकिस्तान में हुई थी इसलिए इसको लाहौर डिक्लेरेशन कहा जाता है और ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी ने साइन की थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने कमिटमेंट टू बाई डायलॉग ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ इंक्लूडिंग कश्मीर ये भी ऐसी ही कमिटमेंट थी एग्रीमेंट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट पीसफुली एंड रेफ्रेंड फ्राम यूजिंग फोर्स एम्फोसाइज द नीड फॉर इकोनॉमिक कापरेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट ये uh, मतलब कि ज़रूरत है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जाए आपस में रीजनल डेवलपमेंट की जाए और फिर डायलॉग मतलब बायलैटरल डायलॉग से अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करें मतलब कि एक दूसरे के हालात को समझें और रीजनल पीस और वर्ल्ड पीस के लिए भी आ, इन ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में पीस कायम करें आउटकम्स इसके क्या निकले इंप्रूव बायोलेटरल रिलेशन एंड इंक्रीज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ा और जो बायो लेटर रिलेशन है वो भी बेटर हुए लाउंज द लाहौर बस सर्विस लाहौर बस सर्विस भी लॉन्च हुई ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल ये भी इनिशिएटिव लिया गया ताकि बॉर्डर क्रॉस का आ, मतलब कि बाई रोड बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर सके और फिर However, tension escalated again in the 2000, leading to the Kargil War and with the subsequent decline in relations. So, Kargil War कार्गल के बाद टू थाउजेंड्स में ये इनके relations फिर से ख़राब हो गए और और ये जो डिक्लाइन रिलेशन बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए गए फ्यूचर पाथवे क्या हो सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के पीस के हिसाब से शिफ्टिंग फोकस इनका जो फोकस है वो अपना शिफ्ट कर दें क्योंकि उनको पावर्टी इनिक्वालिटी लेक ऑफ लेक ऑफ रीजनल कॉपरेशन पर ध्यान दें फिर ट्रैक टू जो है वो डिप, डिप्लोमेसी जिस तरह से सिविल सोसाइटी में इंगेज हो गए हो जाए और वोमेंस और यूथ जो है पीस बिल्डिंग एफर्ट्स करें रीजनल कॉपरेशन के थ्रू तरफ जाएं ताकि ट्रेड को प्रोमोट करें कल्चर एक्सचेंज करें और डायलॉग करें साग के थ्रू फिर कॉन्फिडेंस पीस बिल्डिंग मयर्स उठाएं जिसमें सीज़फायर एग्रीमेंट्स हॉटलाइंस डेली मिली ज़ोन्स टेरइजेशन बनाएं सो so, ये थे उसके सारे फ्यूचर पास अगर इन फ्यूचर पाथ फेस पे फोकस किया जाए तो जो प्रॉब्लम्स दोनों कंट्रीज़ की अलग अलग फेस कर रही हैं तो वो भी रिजॉल्व हो सकती हैं और जिस तरह से पाकिस्तान भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार है तो वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है क्योंकि हमारा जो नेबर है इंडिया वो भी इकॉनमिक पावर uh, बनने जा रहा है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नेक्स्ट वीडियो के लिए हम हमें लाइक like करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू